अच्छा, आप देखते हैं कि 111 रेस्क्यू 112 बहुत फ़ाल अंदाज में काम कर रहे हैं। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, चाहे वो आग लगने का वाकया हो या किसी भी बिल्डिंग के गिर जाने का वाकया हो या कोई ड्राउनिंग केस हो, क्योंकि कराची में काफ़ी सारे ड्राउनिंग केस भी आप देखते हैं, जैसे बच्चे गटर में गिर जाते हैं या नदी नालों में गिर जाते हैं, तो इस वक्त हमारा तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है और जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारी कोशिश होती है कि बर वक्त पहुँच के लोगों को इवैक्यूएट कर सकें। अच्छा, ये फायर ब्रिगेड्स भी हैं आपके पास, आप आग लगने के वाकयात में जा रहे हैं, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, कितनी फायर ब्रिगेड्स हैं और आप लोग किस तरह आग पे, आप लोगों ने जो अमला काम कर रहा है उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग की होगी, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनकी जो है पंजाब रेस्क्यू सर्विसेज एकेडमी से 6 माह की ट्रेनिंग होती है, इसके बाद वो एक प्रोफेशनल फायर फाइटर बन के सामने आते हैं। और जब भी आतिशबाजी के वाकयात होते हैं, क्योंकि एक तो हम वेल ट्रेन हैं और इसके बाद ये कि हमारे पास वो इंटरनेशनल जो है इक्विपमेंट मौजूद हैं जो किसी भी आग को बुझाने में काम आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आग लगती है तो हर आग जो है पानी से बुझने वाली आग नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके पास अलग भी यूज़ होती हैं। जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि 8FFF है, जब भी पेट्रोल की आग लगती है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेस्क्यू 112 की जो टीम है और जो फायर फाइटर वाला अमला है, उन तमाम लोगों को इन चीज़ों के बारे में आगाही है और वो बर वक्त जो जिस तरह की इमरजेंसी होती है उस पर उसी तरह की चीज़ों को से के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। 112 की जो एम्बुलेंस शामिल है उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल है, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी शामिल है। और इन एम्बुलेंस में एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर जो अमला होता है वो तरबियत याफ्ता होता है और इसके अंदर जो इक्विपमेंट है एडवांस इक्विपमेंट अवेलेबल है, यानी कि जैसे कार्डिक रेस्ट की सिचुएशन में AED ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वो डिवाइस अवेलेबल है, सक्शन डिवाइस अवेलेबल है, ऑक्सीजन की सर्विस अवेलेबल है। यानी कि किसी को खुदा ना खासा दिल का दौरा पड़ता है या कोई भी हादसा या सूरत में ये एम्बुलेंस मुफीद साबित होगी।